Manur Zahid, and I represent IEEE SB, and I'll be your host for today's session. So after the huge success of the Mendix session, IEEE now brings you a session on freelancing. Because you all know how rapidly growing of a field is freelancing. And Pakistan stands third in the world of freelancing. But still there are people who are a bit hesitant to step into the freelance world, mainly because they don't know how things work in the freelance world, or either because they are scared of the risk associated with it. So aap sabki jo queries vagaira hain is sabko hal karne ke liye IEEE has brought you this session, and we have Mr. Inzamam Malik, an artificial intelligence chatbot developer who firmly believes in the advancement of youth in the domains of freelance work, to give you guys a complete guide on freelancing. Not only this, Mr. Inzamam Malik is a founder of Sysborg, a company that deals with national and international freelance software contract, a senior teacher faculty at Salonia Mass IT Training, and a research and development lead of AI department, and a senior web developer at PanaCloud, and a senior instructor for web development class at National Vocational and Technical Training Commission. So without further ado, I would like to call Mr. Inzamam Malik on stage. Thank you so much. Wa alaikum assalam. Thank you so much for inviting me. Acha. I'm good. Acha, to ye hum 1 ghante ka session karne ja rahe hain jisme sabse pehle to main ye bata dun ki hum kya isme cover karenge. Acha, hum ye seekhenge ki freelancing business jo hai wo hai kya aakhir. क्या ये आया कि कोई फ्री में काम करना पड़ता है? बाज़ लोगों का ये सवाल होता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, फ्री में काम करना पड़ता है क्या? अच्छा, और हम ये सीखेंगे कि वैल्यू सिस्टम जो है पूरी दुनिया में इस वक्त वो चलता कैसे है, वो काम कैसे करता है, जो ये रुपया है, रुपये का क्या गेम है, क्या चक्कर है ये? तो ये कुछ एक दो बातें हम सीखेंगे. फ्रीलांस बिज़नेस की हम वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी वजह से आप एक फ्रीलांस बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं. ठीक है, वैसे तो गिग्स वगैरह बनाना और प्रोफाइल कैसे सेट होती है, कैसे क्रिएट होती है, वो तो आप कोई भी यूट्यूब पे जाके लिखेंगे ना थोड़ा सा तो आपको वो गो थ्रू करवा देते हैं ईज़िली. लेकिन आज यहाँ पे वो बातें हम डिस्कस करेंगे जो शायद आपको कोई यूट्यूब पे बनी हुई वीडियो या शायद आपको आम तौर पे कहीं पे लिखी हुई नहीं मिलेगी. ये आपसे पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा क्योंकि मैं पिछले 10 साल से फुल टाइम फ्रीलांसर हूँ, और बाकी जो आपने देखा वो चीज़ें मेरे प्रोफाइल में लिखी हुई हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर पार्ट टाइम. मिसाल के तौर पर अभी मैं सैलानी में वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी पढ़ा रहा हूँ तो वो पार्ट टाइम है, वो शाम के वक्त होता है, एंटरटेनमेंट होती है, बंदा अकेले बैठ के काम कर करके ना लैपटॉप के आए तो बंदा थोड़ा नीम पागल हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा शाम के वक्त की एक्टिविटी होनी चाहिए. तो उसी एक्टिविटी का ये भी एक हिस्सा है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं साथ में सारे लोग, और थोड़ा पढ़ने पढ़ाने से कौम का भी थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, खिदमत हो जाती है. अच्छा, तो सबसे पहले तो आप लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार ये बंदा है कौन जो तो सबसे पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ मैं. मेरे बारे में काफ़ी आपको बताया है इन्होंने, तनज़्ज़ा ने, और मेरी प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं. ये मैंने फेसबुक का ना लिंक भी अपने नाम के साथ लगाया है, facebook.com/MInzamam Malik. तो यहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, मुख्तलिफ आप मेरे बारे में डिटेल मिलती रहेगी आपको. लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ, मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से, और 2011 में मैट्रिक किया था मैंने, जो एक नॉर्मल सा स्कूल था. फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से और प्रोग्रामिंग से मेरा जो इंट्रोडक्शन हुआ वो DAE की क्लास में हुआ. वो इंटर के इक्विवेलेंट एक चीज़ होती है, डिप्लोमा होता है 3 साल वाला. तो वहाँ मेरा जो है ना पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग से इंट्रोडक्शन हुआ कि अच्छा यार ये भी कोई चीज़ होती है. अच्छा, तो मुझे प्रोग्रामिंग बहुत ही पसंद आई और मुझे लगा कि शायद ये मेरे लिए बनी है और मैं प्रोग्रामिंग के लिए बनाऊँ. तो वो दिन था, और उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग को ही मैंने अपना करियर बनाया. अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई दूसरे काम नहीं किए, मैंने ला तादाद बहुत सारे दूसरे भी काम किए, थोड़ा 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 सबको मैंने ट्राई किया ऑलमोस्ट.
अच्छा, तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार आप दुनिया में ना अल्लाह पाक हर किसी को कोई ना कोई एक काम सिखा के भेजता है पहले से। तो आपको अगर पता करना है ना कि आपको किस चीज़ के लिए बनाया है अल्लाह ताला ने, तो आप क्या करें, मुख्तलिफ काम को ना ट्राई करें करके। तो जो काम ऐसा है जो आप 8 घंटे 10 घंटे आप कर रहे हैं और आप खाना पीना भूल जा रहे हैं, और बग़ैर कोई बहाना किए कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पैर में दर्द हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, बग़ैर कोई बहाना किए अगर आप 8-10 घंटे कर रहे हैं वो काम और आप खाना पीना भूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब है वो काम आपके लिए, तो आपको वो काम करना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गई बात थोड़ी सी मेरी इंट्रोडक्शन की। अच्छा, तो ये मैंने फिर वहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, वेब डेवलपमेंट से अपना करियर स्टार्ट किया मैंने। गालबन 2012 2013 के अराउंड मैं काम शुरू कर चुका था। अच्छा, फिर 2016 के टाइम पे AI का बड़ा हाइप बन गई कि यार AI जो है ना बहुत ऊपर जा रही है, बहुत AI का स्कोप है, तो मैंने कहा थोड़ा AI को भी एक्सप्लोर करते हैं। तो चैट बॉट मुझे उस वक्त नज़र आया। चैट बॉट के बारे में बताता चलूँ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसे नए किस्म के कंप्यूटर हैं जिनसे आप बोल के बात करते हैं। एक तो कंप्यूटर वो होते हैं जो इस वक्त मेरे और आपके सामने रखा हुआ है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या मोबाइल फ़ोन है या कोई भी है। इन कंप्यूटर्स को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो कीबोर्ड के ज़रिए और माउस के ज़रिए, या तो टच स्क्रीन के से टैप करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये चैट बॉट एक नए किस्म के कंप्यूटर हैं जिनसे आप इंसानों की तरह बात करते हैं। आप बोलते हैं कि यार ऑर्डर पिज़्ज़ा, सही है, या अभी अभी तो बहुत सारे पाकिस्तानी कंपनीज ने भी चैट बॉट अपने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, जिसमें के इलेक्ट्रिक शामिल है और काफ़ी सारे हैं। आप गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपको बहुत बड़ी एक लिस्ट मिल जाएगी। और KFC मैकडोनल्ड वगैरह तो बड़े एक ज़माने से ये चला रहे हैं, तकरीबन 2016 से ही ऑलमोस्ट ये लोग चला रहे हैं सारे। तो फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोग इसकी तरफ मायल हो रहे हैं फौरी तौर पर। ई कॉमर्स में और जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है जैसे कि बैंक्स हैं, वो इसकी तरफ बहुत राग़िब हो रहे हैं, तो ये बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है। अच्छा, फिर इसमें एक वॉइस वाला है बिल्कुल। एक तो है कि चैट बॉट वो फेसबुक मैसेंजर पे भी बात करें या SMS के ज़रिए करके होता है, एक है बिल्कुल वॉइस पे, जो गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा है उसकी जो एप्स हैं, तो वो भी इसी के कैटेगरी में आती है, चैट बॉट और वॉइस एप्लीकेशन के। अच्छा, एक मिनट ज़रा, किसी का मेरे पास, अच्छा अच्छा तो हम ये बात कर रहे थे कि फ्रीलांसिंग बिज़नेस है क्या। देखें जी, फ्रीलांसिंग जो बिज़नेस है उसमें कोई फ्री में नहीं करना होता काम, सही है, पैसे मिलते हैं आपको ऑफकोर्स, लेकिन फ्रीलांस बिज़नेस में आप किसी के एम्प्लॉय नहीं होते। मैं आपको मिसाल देता हूँ सादा लफ्ज़ों में। आपको अपने घर पे पेंट करवाना है, कलर करवाना है। अच्छा, आप जाते हैं कलर वाले की दुकान पे, वहाँ से आप कलर ख़रीदते हैं। अच्छा, वहीं पे पेंटर एक बंदा बैठा हुआ होता है, आप उसको बताते हैं कि यार ये पेंट करना है मेरे घर पे, तो कहता है चलें ठीक है आ जाएं, आप अपना घर दिखा दें मुझे, तो वो घर आपके साथ आ जाता है, आपके घर का पूरा मुआयना करता है, मेजरमेंट करता है सारी, और वो कहता है जनाब मैं इतने पैसे लूँगा आपके घर पे पूरा पेंट करने के। थोड़ी निगोशिएशन होती है, उसके बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डील हो जाती है कि चलो भाई ठीक है इतने हज़ार में डन हो गया हमारा कि आप ये पूरा घर कलर करोगे, सामान सारा मेरा होगा, ठीक है, जो उसमें कलर लगेगा वो सब मैं आपको ख़रीद के दूंगा, आपने कलर करना है, इतने पैसों में डील हो गई। अच्छा, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अच्छा, जैसे ही वो कलर पूरा हो जाएगा तो मेरा और उसका ताल्लुक़ ख़त्म, ना वो मेरा एम्प्लॉई है, और हाँ, लेकिन जब तक वो कलर कंप्लीट नहीं हो जाता उसका कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा नहीं होगा। जब तक वो कलर प्रॉपरली कर नहीं देता, जब तक क्या होगा, मुझे वो जवाबदेह है, मुझे वो जवाबदेह है कि कलर वो कैसा कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है कलर की, ठीक है, वो कहीं मतलब जो भी कलर के अंदर चीज़ें होती हैं तो वो प्रॉपरली करने की ज़िम्मेदारी है उसकी।
तो फ्रीलांसिंग बहुत ज़िम्मेदारी का भी काम है। तो ये मैंने आपको एक सादा लफ्ज़ों में ना फ्रीलांसिंग की आपको एग्जांपल दी कि फ्रीलांसिंग है क्या। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको देखें, फ्रीलांसिंग ये तो समझ में आ गया कि यार कोई बंदा होगा जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपसे पैसों की बात करेगा, आपको अपना काम बताएगा कि यार जैसे सॉफ्टवेयर की, अगर हम स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर की बात करें, तो कोई बंदा आएगा, वो कहेगा यार मेरे ना पिज़्ज़ा की शॉप है, हम पिज़्ज़ा बेचते हैं और हमारी वेबसाइट है, उससे ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर भी हो जाता है। अच्छा, मुझे अब एक अदद चैट बॉट बनाना है जिससे वही जो ऑनलाइन ऑर्डर होता है वो चैट बॉट के ज़रिए हो जाए, बंदा आके बोले आई वॉन्ट टू ऑर्डर पिज़्ज़ा, वो उससे पूछे यार कौन सा फ्लेवर, कितना, क्या एड्रेस है आपका, क्या फ़ोन नंबर है, क्या पेमेंट है, और वो सब प्रोसेस कर ले। अच्छा, मैंने कहा कि यार ये आपको मैं $6,000 में बना दूंगा, तो ये मेरा उससे एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, लेकिन जब मैं बनाकर दूंगा वो बाकायदा उसको चेक करेगा, ठीक है, वो सही काम करना चाहिए, जो मैंने कमिटमेंट की है वो पूरी करना मुझे, मेरे लिए ज़रूरी है एज अ फ्रीलांसर। तो ये हमने एक फ्रीलांस बिज़नेस का ओवरव्यू लिया। अब हम ज़रा बात करते हैं वैल्यू सिस्टम की, क्योंकि वैल्यू सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी जाके जॉब करेंगे, कहीं पे भी बिज़नेस करेंगे, कोई भी आप काम करें, तो आपको जब तक वैल्यू सिस्टम की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा कामयाब हो सकता है किसी भी किस्म के बिज़नेस में। अच्छा, हमने जो इस वक्त लोग कनेक्टेड हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सारे मेरी एज के होंगे ऑलमोस्ट, मतलब कम उम्र होंगे, टीनेजर्स होंगे, तो हम लोगों ने जो आज आज जो बच्चे सारे जो भी कनेक्टेड हैं, हमने आँख खोली है कैपिटलिज्म के दौर में। अच्छा, कैपिटलिज्म का मतलब है कि हर चीज़ पैसा ही है। अच्छा, करें क्या इसका, तो इसको समझना पड़ेगा भाई, हमें एक ख़ास किस्म के दौर में हमने जब आँख खोली है तो उस दौर के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको, अच्छा कैपिटलिज्म के अलावा भी है एक कम्युनिज्म भी है, जो चाइनीज़ वो कर रहे हैं। कम्युनिज्म में ये होता है कि नहीं यार पैसे वैसा कुछ नहीं है, सब मिलके करेंगे, मतलब एक घर में अगर 10 लोग हैं तो वो भाई 10 लोग मिलके करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है, और जो उसमें से फिर आएगा वो सब मिलके खाएंगे, पूरा करेंगे, मतलब वो पूरी कंट्री वो समझते हैं एक ही घर है, ठीक है। मगर वो कैपिटलिज्म जिस तरीके से वो चला रहे हैं ना कम्युनिज्म को, आप ज़रा कभी यूट्यूब पे जाके उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें कि कम्युनिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है, तो वो बड़ा ब्रूटल है। लोग चाइना से भी भाग रहे हैं, वो नॉर्थ कोरिया का मिनी वर्जन है वो। तो चाइना में भी ना लोग इसी वजह से किया करते हैं, थोड़े पैसे बन जाते हैं तो अमरीका अमरीका इधर उधर भाग जाते हैं, चाइना में लोग जो पैसे वाले हैं वो रहना पसंद नहीं करते। अच्छा, लेकिन चाइनीज़ इतना ख़तरनाक हैं, वो उनको अमरीका से भी उठवा लेते हैं, कम्युनिज़म भी एक चल रही है। अच्छा, तो लेकिन ज़्यादातर जो दुनिया में इस वक्त कंट्रीज़ हैं उसमें कैपिटलिज्म चल रहा है, हमारी कंट्री भी कैपिटलिज्म पे ही चल रही है। कैपिटलिज्म में होता है पैसा सब कुछ है। अच्छा, तो हमें इसको समझने के लिए ये समझना पड़ेगा ये पैसा आया कहाँ से। बिल्कुल शुरू में आप लोगों ने शायद बुक्स में पढ़ा हो, स्कूल की बुक्स में, कि पहले एक बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में ये होता था कि यार मैं ये ग्लास मैं बनाना जानता हूँ, ये ग्लास मैं आपको दूंगा, ठीक है, अच्छा, और इस ग्लास के बदले आप मुझे खाना दे दें, ठीक है, इस तरह का कोई सिस्टम होता था। या मिसाल के तौर पे मैं बहुत अच्छी बिरयानी बनाना जानता हूँ, अच्छा, तो मैं बिरयानी की प्लेट बना के दूंगा आपको, एक प्लेट, आप मेरे लिए चप्पल बना के दे दें मुझे आप, तो ये बार्टर सिस्टम होता था। या मुझे मुझे टी शर्ट बनानी आती है, मैंने टी शर्ट बनाया, मैं टी शर्ट बना के आपको देता हूँ, आप मुझे ग्लासेस बना के दे दो उसके बदले में, तो ये बार्टर सिस्टम होता था। तो ये वन ऑफ दी वेरी इनिशियल, या जो जो सबसे जो पुराना नोन वैल्यू सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम हुआ करता था। फिर बाद में लोग तरक्की करते गए और दुनिया थोड़ी चेंज होती गई, तो उसके बाद ना ये नमक वगैरह पे मूव होके आ गया, कि जब नमक को ना वैल्यू सिस्टम में बना लिया, तो ये जो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना सैलरी, तो सैलरी वर्ड सॉल्ट से निकला है, कि सॉल्ट को सॉल्ट मिलेगा आपको, मतलब जब आप काम करोगे तो। अच्छा, तो ये हुआ क्या, ये हुआ ये मिसाल के तौर पे, पहले जब मैं टी शर्ट बनाता था और मैं आपको ले जाके देता था और मैं कहता था आप मुझे
ग्लासेस बना के दे दो इसके बदले, आपको ग्लासेस बनाने आते हैं। लेकिन सॉल्ट के आने के बाद क्या हुआ, मैंने कहा है कि यार मैं ना टी शर्ट बनाऊँगा, टी शर्ट बना के मैं आपको दूंगा, आप मुझे, अच्छा मिसाल के तौर पर मुझे चाहिए चश्मा, आपको आता ही नहीं है चश्मा बनाना, सही है, या मुझे कुछ और चाहिए, मुझे हेयर ड्रेसिंग करानी है। अब आप बोलोगे यार मुझे टी शर्ट तो चाहिए लेकिन मुझे हेयर ड्रेसिंग नहीं आती, अभी मैं क्या करूँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है आप टी शर्ट मुझसे ले लो, आप मुझे ना सॉल्ट दे दो। अच्छा वो सॉल्ट मैंने ले लिया, अब ये जो सॉल्ट मेरे हाथ में आ चुका है ये मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है या प्रूफ ऑफ वर्क है मेरा, ये कि यार मैंने जो है ना किसी कॉन्ट्रीब्यूट किया इस मुआशरे में, मैंने किसी को टी शर्ट बना के दिए, तो वो जो एक ख़ास अमाउंट का जो नमक था, अच्छा वो फिर टी शर्ट जो बना रहा है उसके लिए ज़ाहिर है एक सर्टेन अमाउंट होगा, फिर ज़ाहिर है जो बंदे का ऑपरेशन कर रहा है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन करना नस्बतन मुश्किल काम है, तो एक सर्टेन अमाउंट वो आ गया मेरे पास। अब मैं वो सर्टेन अमाउंट लेके जाऊंगा हेयर ड्रेसर के पास, अच्छा और हेयर ड्रेसर को मैं बोलूँगा कि यार ये सॉल्ट ले लो और हेयर ड्रेसिंग कर दो मेरी। अच्छा तो ये वैल्यू सिस्टम आप देखिए किस तरह थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। अच्छा थोड़े ही दिनों के बाद ये सॉल्ट चेंज होके बन गया गोल्ड, और गोल्ड चेंज होके बन गया रुपया, जो कागज़ का रुपया आजकल चल रहा है। अच्छा फिर कागज़ का रुपया जैसे ही बना तो हर कंट्री ने अपने अलग अलग कागज़ के रुपया बना लिया, और डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी कंट्री के लोग कितना पसीना बहा रहे हैं उनके कागज़ के नोट की उतनी वैल्यू है। तो ये हो गया, ये हमने वैल्यू सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की। अच्छा तो अच्छा तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हम जो ये कागज़ के जो नोट हम कमाते हैं, जो सब लोग आजकल इसी नोट के पीछे हैं, और इसी को हम कैपिटलिज्म कहते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोट कमाना चाहते हैं। तो जो ये नोट है ये क्या है, ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क है। अगर किसी बंदे के पास 1,000 रुपये का एक नोट है तो इसका क्या मतलब है कि उसने मुआशरे में 1,000 रुपये के इक्वल कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किए। मिसाल के तौर पे कोई चप्पल बनाना जानता है तो वो चप्पल बना के जब बेचता है, 1,000 रुपये की चप्पल बेची उसने, आजकल वैसे चप्पल 1,000 की तो नहीं मिलती, महंगी हो गई है, या 2,000 की उसने या 1,000 की चप्पल बेची, तो वो 1,000 रुपये जो उसके पास हैं दैट इज़ एक्चुअली अ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा फिर इसी तरीके से अब ये प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन लेके जब वो जाएगा बिरयानी वाले के पास, 1,000 रुपये में उसको शायद अगर 200 रुपये की प्लेट है तो 5 प्लेट मिल जाएगी बिरयानी, चप्पल उसने एक बना के बेचा है, बिरयानी उसको मिल रही है 5, क्योंकि चप्पल बनाना नस्बतन शायद मुश्किल काम है बिरयानी बनाने से, मे बी। अच्छा फिर इसी तरीके से अब ये बिरयानी वाला जाएगा ना डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने, तो डॉक्टर बोलेगा मुझे 1,00,000 रुपये चाहिए, ठीक है ऐसे जनरल बात कर रहा हूँ वैसे कोई, अच्छा तो शायद ऑपरेशन करना इससे भी मुश्किल काम होगा मे बी, जब भी वो उसके 1,00,000 रुपये मांग रहा है। अच्छा तो इस पूरी स्टोरी से हमें सीख क्या मिली, हमें सीख ये मिली इस पूरी स्टोरी से। अच्छा बाय द वे आप लोग ना कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स तो काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, हम लास्ट के 15 मिनट में ना ज़रा कमेंट्स को गो थ्रू करके उसमें से सवालात भी देख लेंगे कि जो है ना सवालात क्या हैं। अच्छा नहीं असल में स्लाइड्स वगैरह आज मैं अभी सैटरडे की शाम है सब लोग थके हुए होंगे स्लाइड्स वगैरह कल करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा जी तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि भाईजान पैसा वैसा कुछ भी नहीं है, असल चीज़ है कि आपको आता क्या है। आम तौर पे हमारे यहाँ पे अभी लोग वो पढ़ाई वगैरह कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी वो कर लेते हैं, उसके बाद वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके कहते हैं यार कोई मुझे जॉब दे दे। अच्छा लेकिन अगर इस स्टोरी को आप मद्देनज़र रखें तो हमें इससे पता क्या चलता है कि यार
असल वैल्यू उस चीज़ की है कि आपको आता क्या है। अगर आपको चप्पल बनानी आती है तो आप 1000 रुपये के बनते हैं, अगर आपको बिरयानी बनानी आती है तो आप शायद 200 रुपये के बनते हैं, ठीक है, मतलब 200 रुपये पर प्लेट के बनते हैं आप। अगर आपको ऑपरेशन करना आता है, डॉक्टर हैं आप, तो आप शायद 1 लाख रुपये के बनते हैं। तो असल वैल्यू उस चीज़ की है कि आपको आता क्या है। अच्छा, तो मेरे भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो भी सब लोग दोस्त कनेक्टेड हैं, आसान काम के ना दुनिया में कोई पैसे वैसे नहीं है। बेवकूफ़ी की बात है ये कि कोई आसान काम हो और उसके पैसे हों। अच्छा, ये मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ ये फ्रीलांसिंग के को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मुश्किल काम है, नो डाउट, और ख़ासतौर पर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्क इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में शायद जो जितने भी मुश्किल तरीन काम है उन्हीं में से ये एक है, प्रोग्रामिंग। अच्छा, तो आसान काम क्या ना दुनिया में कोई पैसे नहीं है। बेवकूफ़ी की बात है कि कोई अगर आपसे कह रहा है ना, हम बचपन से हम लोगों को ये ऐसे बोला जाता है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब पकड़, बस जाना है और जाके अटेंडेंस लगानी है और 1 तारीख को पैसे अकाउंट में, ये झूठ बोल रहा है आपसे जो भी बोल रहा है। अगर किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को 1 लाख रुपये तनख्वाह मिल रही है तो वो काम भी उसका उतना ही है। अच्छा, वो अलग बात है कि वो कर नहीं रहा। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे आपको कोई काम सौंपा गया, आपकी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि यह काम आपने करना है, आपको 1 लाख रुपये महीने के मिलेंगे और आप वो कर नहीं रहे, तो फिर तो वो पैसे ही हराम है ना आपके लिए। आप काम ही नहीं कर रहे अगर अपने अपने क्या कहते हैं ज़िम्मेदारी का, और आप पैसे ले रहे हैं, तो वो तो पैसे वैसे ही हराम है आपके। तो कोई आसान काम के पैसे वैसे नहीं है, ये बिल्कुल जहन में आप क्लियर कर लें। बहुत सारे ऐसे, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, तो यार कोई ऐसा काम हो ना, मुझसे आके कह रहे हैं यार इंजमाम भाई कोई ऐसा काम बताएं, बैठने का काम हो, बैठा आ रहा हूँ बस मैं, ठीक है, और वो ज्वेलरी की दुकान पे जाके काम कर रहे हैं। ज्वेलरी की दुकान पे जाके उन्होंने जॉब पकड़ी हुई है। क्यों पकड़ी हुई है? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यार ज्वेलरी की दुकान पे ना ज़्यादा काम वाम नहीं करना पड़ता, इसलिए काम पकड़ा हुआ है। क्यों? अच्छा, वो 2-4 दिन में कस्टमर आते हैं, उनको बस ज्वेलरी दिखानी होती है, बस हो गया। अच्छा, तो वो फिर सैलरी भी 10,000 देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक और मिसाल देके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने अपने घर पे पेंटर बुलाया आपने, और आपने कहा यार ये मेरा एक कमरा है, इसी कमरे को कलर करना है। अच्छा, वो आपका कमरा देखे ऐसे घुमा के, और वो आपसे कहे कि ठीक है यार 10 लाख रुपये लूँगा मैं, हो जाएगा कलर, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मैं हूँ तो मैं उसको बोलूँ कि मेरे बच्चे 10 लाख में आपके जैसे जैसे 20 आ जाएंगे, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो आपको इस कमरे को कलर करने के ना 10,000 दूंगा मैं, करना है तो करो, नहीं करना है तो बता दो कि भाई नहीं हो रहा मेरे से। या आपने कोई पान की दुकान खोली, आजकल पान की दुकान वाले बड़े मेरे पास ना मिसालें आ रही हैं, पान की आपने दुकान खोली, आपको एक बंदा चाहिए जो वहाँ पे खड़ा हो उस दुकान पे और पान लगाए। अच्छा, तो आपने उसको रख लिया, कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए कमेंट में प्लीज़ बताएं आप लोग। अच्छा, मैं अगर हूँ आम तौर पे, क्योंकि मिनिमम वेज पाकिस्तान में जो है वो 20,000 या पता नहीं 22,000 चल रहा है मिनिमम वेज, तो मैंने कहा यार मिनिमम वेज जो है ना उससे मैं 2,000 ऊपर दे दूँगा आपको, तो 22,000 या 25,000 जो भी, चले ठीक है भाई, काम शुरू हो गया, काम कर रहा है वो। अब वो थोड़े दिन में कह रहा है कि इंजमाम भाई मेरी ना सैलरी बढ़ा दें आप। एक दोस्त कह रहे हैं 5,000 दूंगा मैं, इतने ही होते हैं भाई, पान की दुकान पे खड़ा होना कौन सा मुश्किल है, तो एक नहीं खड़ा होगा तो कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। लेकिन चलो, मैं मिनिमम वेज पाकिस्तान का कानून है तो मैं उसके हिसाब से 25,000 दे दूंगा उसको। अब उसने थोड़े दिन के बाद बोला है, नवाम भाई मेरे ना पैसे बढ़ा दें आप। मैंने कहा ठीक है मैं बढ़ा देता हूँ, तो मैंने कहा चलो 2,000 बढ़ा देता हूँ। कहेगा नहीं भाई 2,000 तो नहीं, मुझे कम से कम 10,000 बढ़ा दें आप। अच्छा, 10,000 बढ़ाने बोल रहा है, 2 महीने भी नहीं हुए अभी, तो मैंने कहा चलो यार 6 महीने पूरे कर लो, फिर मैं 10,000 बढ़ा दूंगा आपके, क्योंकि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, छुट्टी भी नहीं कर रहा, कस्टमर भी बहुत खुश हैं, कोई शिकायत भी नहीं किसी तरह से आ रही। मैंने कहा चलो 10,000 बढ़ा दूंगा, तो अब उसकी 6 महीने बाद 35,000 हो गई सैलरी। अब 2 महीने और गुजरे, अब दोबारा आ गया वो, इंजमाम भाई
35,000 में तो यार कुछ होता ही नहीं है, पेट्रोल 180 का हो गया है। मैंने कहा बात तो सही है, पेट्रोल तो 180 का हो गया है, अभी डलवाया मैंने आज ही। तो अब वो कह रहा है कि यार मेरी ना आप सैलरी और बढ़ा दें। अच्छा मैंने कहा कितनी बढ़ा दूँ भाई, पिछली दफ़ा तो 10,000 बढ़ाया था। अब वो कहता है कि यार मेरी ना आप 2,00,000 कर दें सैलरी, 2,00,000 अगर मेरी सैलरी हो गई ना इंतमाम भाई, तो मेरी ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा अब ज़रा कमेंट में मुझे बताएं कि इस बात का क्या जवाब देना चाहिए उसको। अब इस बात का जवाब जो है ना ये होना चाहिए, मैं तो यही दूंगा, मैं कहूँगा यार थैंक यू सो मच, आपने 6 महीने मेरी दुकान बहुत अच्छी चलाई है, और आइंदा कभी आपके गांव आऊँगा मैं तो आपके आपसे मुलाकात करूँगा, सही है, आपसे कराची से आपके लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा मैं, और थैंक यू बाय बाय अल्लाह हाफिज़। ज़्यादा में ज़्यादा ये होगा मेरी 1 हफ़्ते दुकान बंद रहेगी, मगर कोई मसला नहीं यार, 1 हफ़्ते दुकान बंद रहेगी कोई मसला नहीं है। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे बिलीव है कि मुझे 25-30,000 में कोई बंदा मिल जाएगा, सही है। 150 रुपया तो आपने ये नोट किया। अच्छा ऑन अदर हैंड आप दूसरी तरफ देखें, एक सिविल इंजीनियर है जो ये पुल वगैरह बनाते हैं, रोड्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, जब पैसे की बात करते हैं तो ये तो 10-12 लाख से कम की बात ही नहीं करते। तो उस पान की दुकान पे जो खड़ा हुआ बंदा है उसमें और इस इंजीनियर में क्या ऐसा डिफरेंस था कि ये मानता है सीधे 10 लाख। अच्छा फिर ये उस 10 लाख पे भी चुप नहीं होता है, ये जहाँ पे साइट पे जाके काम करता है ये कहता है मुझे यहाँ पे एसी वाला डब्बा भी लगा के दो, वो कंटेनर आजकल जो लगा के देते हैं, वो कहेगा मुझे एसी वाला कंटेनर भी लगा के दो, उसके अंदर छोटा सा मेरे लिए वॉशरूम भी होना चाहिए, छोटा सा किचन भी होना चाहिए, मुझे वहाँ पे बेड भी चाहिए, मैं कभी नैप लूँगा उसके ऊपर, मुझे इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए वहाँ पे। अच्छा फिर गाड़ी भी देते हैं इनको, क्योंकि जाहिर है वो कार हर जगह जा नहीं पाती, तो वो इसको ये जो क्या नेशनल लॉजिस्टिक वाले जो हैं NLC वाले, उनका इसको एक पिकअप ट्रक भी देते हैं कि चल भाई तू ये पिकअप ट्रक भी आपका है, लाओ जाओ घूमो जाके, बंदा भी देते हैं साथ में, वो पिकअप ट्रक पे वहाँ पहुँचा कर आता है, लेकर भी आता है वापस। तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक बंदे के पास ऐसी स्किल है जो मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। शाहिद आफरीदी जो ग्राउंड में खड़ा होकर छक्का लगाता है ना, वो आसान काम नहीं है, अगर आसान काम होता तो उस छक्का लगाने के उसको लाखों रुपये नहीं मिलते, समझ रहे हैं। अब सामने से बॉल आ रही है, गोली की स्पीड से आ रही है, वो कहीं भी लग जाएगी आगे, सही है ना, उस बॉल से छक्का लगाना है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है बल्ले पे ही लगे, वो कहीं भी लग सकती है, ठीक है। तो 10-12 लाख नहीं मिलते, मतलब 2 लाख तो मिलते ही है ना, जो 2 लाख की डिमांड पान वाले ने की थी उतने तो मिलते ही है ना सिविल इंजीनियर को। जो मेन इंजीनियर होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर्स को तो मिलते हैं ना इतने, अभी तो AO क्लिनिक में आप जाएँ ना ज़रा बाहर 2-4 लोगों से पूछें कि जो ऑपरेशन के लिए क्या पैसे लेते हैं, तो 6-7 लाख रुपए नॉर्मली चार्ज करते हैं वो, और लोग देते हैं बड़ी खुशी से देते हैं, क्योंकि लोग बड़े सेटिस्फाई हैं वहाँ से, ठीक है ना। बहुत सारी इस तरह की क्लिनिक्स आपके सामने, और बहुत सारे ऐसे लोग आप जानते होंगे जिनको वो 10-12 लाख रुपये 15 लाख रुपये सैलरी लेते हैं, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पान वाले को ये सैलरी नहीं मिलेगी, इतना तो आपको भी पता है, क्योंकि पान वाले के पास वो स्किल नहीं है, पान वाले की जो स्किल है वो बहुत कॉमन है। 2 दिन मैं भी खड़ा होऊंगा ना तो मुझे पान लगाना आ जाएगा, 2 दिन तक मैं किसी पठान बच्चे को खड़ा करूंगा ना उसको भी आ जाएगा कि पान कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी वैल्यू सिस्टम को डिस्कस किया ये हमने अभी, और वैल्यू सिस्टम हम समझ चुके हैं कि वैल्यू सिस्टम वही है जो स्किल है आपकी। ये पैसा तो आपका प्रूफ ऑफ वर्क है, पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, जब आप कोई काम कर लेंगे तो उसका प्रूफ है ये कि आपने भाई काम किया ये। अच्छा तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा इस पॉइंट पे कि मेरे भाई ये डिग्री विग्री का दौर ना जा चुका है। अगर आप में से किसी के जहन में ये ख्याल है कि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ,
कोई भी यूनिवर्सिटी, पूरे पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आप अगर हार्वर्ड में भी पढ़ रहे हैं ना और आपके जहन में ये ख्याल है कि ये हार्वर्ड से पढ़ के ना मैं कुछ बन जाऊँगा, तो हो सकता है बन भी जाएँ, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये खाम ख्याली होती है आपकी कि आप कुछ बन जाएंगे। आपको इसके लिए ख़ुद से एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, ख़ुद से मेहनत करनी पड़ेगी। उसका रीज़न ये है कि आम तौर पे हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, मैं कंप्यूटर साइंस की स्पेसिफ़िकली बात कर रहा हूँ, कि चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपने सेलेबस को अप टू डेट रख पाएँ। अच्छा, एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि आप काम क्या करते हैं, आपकी अर्निंग क्या है, सबसे किस किस स्किल पर कौन सी आपको ज़्यादा खुशी हुई, इस स्किल को सीखकर ज़्यादा अर्निंग हुई। अच्छा, ये सवाल कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, वेल इसको मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की इसकी लास्ट में। अच्छा, लास्ट के 15 मिनट ना हम ये सवाल वगैरह देखेंगे, हम कवर करेंगे। तो डिग्री वगैरह का ना भाई दौर जा चुका है। एक ज़माना था कि अगर आपके पास डिग्री आ जाती थी, मास्टर्स की डिग्री आ गई आपके पास, तो आप किसी भी जगह पर वो डिग्री दिखाते थे ना, लोग आपको हाथों हाथ लेते थे। लेकिन आप इसको खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, उन्होंने डिग्री की शर्त ख़त्म कर दी है। पहले ये होता था ना कि यार जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज होते थे वही लिखा हुआ होता था कि यार MBA की डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, राइट। अभी वो मसला ख़त्म हो गया है, अभी गूगल ने, अच्छा और मेरी बातों में आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा हूँ ना, कोई ज़रूरत, मेरी बातों में आने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। आप सब लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है, आप जाके गूगल करें, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना इतनी लंबी लंबी हाँक रहा हूँ, इसमें आने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो मेरी बात में आने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, गूगल करें, इंटरनेट आपके पास है, जाके आप चेक करें, दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े फर्म्स हैं, इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेज़ॉन और जो भी टेक जायंट्स हैं, आप सब लोगों को पता है, आप जाके चेक करें, इन सब लोगों ने डिग्री की शर्त ख़त्म कर दी है। अच्छा, अब आपके पास डिग्री हो या नहीं हो, आपको क्या करना है, जो हर कंपनी की ज़ाहिर है अपना एक असेसमेंट सिस्टम होता है उनका ये कह रहे हैं अपनी डिग्री का क्या करें, भाई डिग्री करो, मम्मी वरना बेटा चप्पल से मारेंगे, पर मुझे नहीं कहना कि डिग्री छोड़ो, मेरे कहने में अगर डिग्री नहीं छोड़ देना, ये पहले बता रहा हूँ अच्छा, तो हर कंपनी का ना अपना एक असेसमेंट सिस्टम है। जैसे गूगल की अगर हम बात करें, उनके समर बूट कैंप्स होते हैं, उसमें लोग इनरोल करते हैं, उसमें वो असेसमेंट होता है उनका अपना, एक अपनी ट्रेनिंग होती है, अपने टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं उनके अपने, आप वो पास करें वो उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, ठीक है। ये तो एक प्रोग्राम है जो बच्चों के लिए उन्होंने डिज़ाइन किया है, उसके अलावा भी और बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स हैं जिससे वो बंदे इनपुट लेते हैं। अच्छा, तो अब हम ज़रा बात करते हैं कि यार फ्रीलांसिंग करें या जॉब करें। ये तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने ये अभी तक डिस्कस कर लिया कि यार आसान चीज़ की कोई डिमांड नहीं है, वैल्यू सिस्टम हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब वैल्यू सिस्टम में भी जो मुश्किल काम अगर आपको आता है ना, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपना हॉस्पिटल खोलें या किसी के हॉस्पिटल में जाके जॉब करें, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो अपनी कंस्ट्रक्शन की फर्म खोलें या किसी के पास जाके जॉब करें, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप अपनी कंपनी खोलें या फ्रीलांसिंग का बिज़नेस अपना चलाएं या किसी के पास जाके जॉब करें, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, आम तौर पे ना लोगों को लगता है शायद कि जॉब ना बड़ी रिलायबल है, जो कि बहुत बेवकूफ़ी की बात है। अच्छा, और अपना बिज़नेस, लोगों को लगता है यार अपने बिज़नेस में ना कभी नुकसान भी हो जाता है और कोई पता नहीं होता कि, जैसे फ्रीलांसिंग की अगर मैं बात करूँ, जॉब्स नहीं भी आती कभी, ठीक है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कोई, तो ये तो बड़ा रिस्की है। तो भाई ये रिस्की तो ये है, लेकिन रिस्क भी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैसे से। जिस चीज़ में जितना ज़्यादा रिस्क है पैसे भी उतने ज़्यादा हैं। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार नहीं है, और ख़ास तौर पे इस लाइव स्ट्रीम में जो ज़्यादातर लोग कनेक्टेड होंगे, जो टीनेजर्स होंगे या मेरी तरह 25, 28 साल, 30 साल के लोग हैं,
अभी आप लोगों के पास, और अगर आप सिंगल हैं भी तो आपके पास टाइम है, आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप अभी रिस्क नहीं लेंगे तो ये रिस्क वाला टाइम भी आपके हाथ से वैसे तो निकलना ही है अल्टीमेटली, और फिर अल्टीमेटली आपके पास ये जॉब वगैरह की तरफ ही आप फिर जा सकते हैं। फ्रीलांस शायद उतना फिर आसान नहीं रहे आपके लिए, या कोई बिज़नेस शुरू करना, आप जब जब 40 साल के वंस आप हो जाते हैं तो शायद फिर आपके लिए बिज़नेस स्टेबल करना या बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना आपके लिए फिर इतना ईजी नहीं रहता, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि यार हर कोई बिज़नेस करेगा तो यार जॉब कौन करेगा, फिर जॉब करने के लिए भी तो कोई चाहिए हमें। तो इसका बस यही जवाब है कि यार जो फ्रीलांसिंग है ना, वो है तो ज़ाहिर है मुश्किल चीज़ है, और दूसरा ये कि रिलायबल तो नहीं है। ऑफ कोर्स कभी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, कभी नहीं भी होता, ठीक है, कभी 3 महीने 4 महीने भी नहीं होता। लेकिन जॉब में आपको जो मंथली देखने को तो लग रहा होता है यार मंथली पैसे मिल रहे हैं, महीने के आखिर में पैसे आ ही जाएंगे, लेकिन एक तो जॉब में सैलरी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री लांसिंग। जॉब में ना सैलरीज बहुत कम होती हैं, वो लगी बंदी आमदनी होती है जो आती है हर महीने, वो हर महीने ख़त्म हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है कि वो गया कहाँ, ठीक है। ऑन अदर हैंड जो बिज़नेस होता है आपका, वो स्केल होता है, ठीक है। जैसे ये कमेंट में दोस्त ने जिक्र किया कि बिज़नेस तो स्केल होता है भाई, इसी तरीके से जो फ्रीलांस बिज़नेस है इसमें सब में बड़ा लेवरेज जो है आपके पास, सबसे बड़ा लेवरेज आपके पास ये है कि आप अपने क्लाइंट से डायरेक्ट होते हैं। जो कंपनी में जब आप जॉब करते हैं ना जाके, तो उसमें ये होता है कि आप किसी बंदे के पास जॉब कर रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट आता है उस बंदे के पास, आपके पास डायरेक्ट नहीं आता, ठीक है। तो जाहिर है वो अपना कट रखता है, फिर उसके बाद आपको सैलरी देता है, और वो सारे फिर रिस्क फैक्टर को भी कैलकुलेट करके वो आपको इतनी सैलरी देता है कि 6 महीने उसके पास काम ना होना, जब भी आपको वो दे सके। तो कुल मिला के आसान से लफ्ज़ों में बात ये है कि आसान से लफ्ज़ों में बात यह है कि जब तक कोई एम्प्लॉयर, जब तक कोई कंपनी आपसे 10 लाख रुपए नहीं कमाएगी ना, वो आपको 50,000 सैलरी नहीं देगी। ये बात लिख लें आप मेरी, जब तक कोई कंपनी आपसे 10 लाख रुपए नहीं कमाएगी महीने के, जब तक वो आपको 50,000 सैलरी नहीं देगी, ठीक है। और ये मैं बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ठीक है। बाय की स्पेलिंग लिखा है एक दोस्त ने, बाय NED, बाय की स्पेलिंग देखें आप। अच्छा, तो बाय NED है फिर तो। अच्छा, तो क्या जिक्र कर रहा था मैं कि यार फ्रीलांस में या अपना जो बिजनेस होता है उसमें ऑन अदर हैंड आपका मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि आप क्लाइंट से डायरेक्ट होते हैं, बीच में कोई नहीं होता, जो पैसे वो देगा वो सीधे आपको देगा। अच्छा, जो जाहिर है बाहर से ट्रांजेक्शन में कोई 2-4% पैसे कटते हैं, वही कटते हैं बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप फ्रीलांस में अगर आप साल में एक प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो गुड इनफ होता है कि पूरे साल आप उसको, उससे जो आपके पैसे आते हैं वो पूरे साल चलते हैं। अच्छा, तो ये हमने देख लिया। और रिलायबिलिटी की जहाँ तक बात है, कोई पता नहीं है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वो कल बंद हो जाए। मिसाल के तौर पे जो जो गोरो के यहाँ होता है तरीका, वो ये होता है जैसे आप अगर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते हैं या गूगल में जॉब करते हैं, तो आपको जिस दिन फायर करना होगा ना उस बंदे को, कंपनी को जिस दिन आपको निकालना होगा कंपनी से बाहर, आपको बताएंगे नहीं पहले वो कि आपको हम फायर करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। अच्छा, इसका बड़ा बड़ा एक अच्छा सा नाम इसका रखा हुआ है HR वालों ने, डाउन साइजिंग। वो कहते हैं यार हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं, बंदे नहीं निकाल रहे हैं, हम डाउन साइजिंग कर रहे हैं। वो बंदे ही निकाल रहे हैं, बंदे निकल के डाउन साइजिंग होती है, और कैसे होगी। तो वो आपको शाम को ना 1 घंटे पहले आपके वो सारे सिस्टम के ना एक्सेस को रिवोक कर देंगे, शाम 5 बजे छुट्टी होने से ना 1 घंटे पहले आपके सिस्टम सारे रिवोक कर देंगे वो, ठीक है। आपके पास वो चलेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा, आपका एक्सेस सारा बंद हो जाएगा। अच्छा, जब आप निकलने लगेंगे कंपनी से बाहर, जहाँ कार्ड पंच करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे वो आपको लेटर पकड़ा देंगे, इसको कहते हैं पिंक लेटर, आप गूगल कीजिएगा जाके, पिंक लेटर कहते हैं इसको। तो अब वो पता नहीं वाकई पिंक कलर का होता है या वैसे ही नाम रखा हुआ है, पिंक लेटर आपको पकड़ा देंगे कि भाई आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है, और आपके जो भी बकाया जाते हैं वो आप फला फला तारीख को आ जाइएगा HR के ऑफिस में आइएगा सीधा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है आपको, और वहाँ पे आपके वो सारे मसले मसाइल देख लिए जाएंगे कि क्या है।
अच्छा, और वो अब उनका एक सिस्टम होता है कि यार 3 महीने तक की सैलरी देनी पड़ती है जब आप किसी को निकालते हैं ना, तो 3 महीने 6 महीने तक सैलरी देनी पड़ती है। वो कहते हैं ठीक है सब मिलेगा आपको, लेकिन आपको कल से आने की ज़रूरत नहीं है। वो रिलायबिलिटी, आप सब लोगों को पता है कि जॉब में जो रिलायबिलिटी है ना, ये जो, क्योंकि गोरों के यहाँ जब ये हो रहा है तो हमारे यहाँ उससे भी बुरा हाल है। हमारे यहाँ तो अगर आपको कोई निकालेगा ना, पिंक 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 स्लिप दोस्त कह रहे हैं नाम है उसका, तो यहाँ पे तो कोई पिंक स्लिप भी नहीं देगा आपको। यहाँ पे ना जब आप घर आ जाएंगे ना, और जब आप रात का खाना खा रहे होंगे बैठ के, तो फिर आपके इंचार्ज का फ़ोन आएगा कि हाँ यार वो असल में बात ये है ना कि कल से आप नहीं आइएगा, ठीक है, और आपके जो इस महीने की तनख्वाह है वो मिलेगी आपको, और ठीक है बस ख़त्म हो गई कहानी। इसके आगे कुछ भी नहीं है यार, इसके आगे क्या है। हमारे यहाँ आपको पता है एथिकली कितने अच्छे हैं लोग। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई, फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करें कैसे। सबसे पहला स्टेप क्या है अगर आप फ्रीलांसिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप ना सर्च करेंगे, आप जाके इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं इस वक्त मार्केट में जो इन डिमांड है। मिसाल के तौर पे वो आपकी जो है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी हो सकता है, वेब डेवलपमेंट भी हो सकता है, आपका कोई कंटेंट राइटिंग भी हो सकता है, लोगो डिज़ाइनिंग भी हो सकता है, बहुत सारे हज़ारों तरह के फील्ड्स हैं जिसमें फ्रीलांसिंग हो रही है। हेयर ड्रेसिंग में भी फ्रीलांसिंग हो रही है भाई साहब, ठीक है, तो हेयर ड्रेसिंग हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले तो ये कि आप पहले से किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो क्या उस चीज़ में आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ बाई प्रोफेशन, तो मैं ये देखूंगा कि क्या यार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फ्रीलांसिंग हो रही है। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फिर एक चैट बॉट है, वॉइस एप्लीकेशंस हैं, वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, आपके जो SEO है, अभी ये ब्लॉकचेन वगैरह भी आ गया, नई बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपको ये सर्च करना है कि कौन सी चीज़ इन डिमांड है, या यूं कह लें कि कौन सी चीज़ आजकल मुश्किल चल रही है। आजकल सबसे मुश्किल चल रही है ब्लॉकचेन और चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन। अच्छा, यह आपका जो एंट्री पॉइंट है वो कोई आसान चीज़ सेलेक्ट करके भी आप, जो आसानी से सीख जाएं आप, उसको पकड़ के भी आप एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हैं तो आसान, लेकिन उसकी उसका काम इतना ज़्यादा है कि उसमें हज़ारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन मज़ीद लोग चाहिए। जिसमें वेब डेवलपमेंट जो है ना, सरे फहरिस्त है। वेब डेवलपमेंट अगर आप सीख लेते हैं, अभी मैंने रिसेंटली एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है वेब डेवलपमेंट का, तो अब उसमें क्या है, वो 4 महीने का कोर्स है, और वो कोर्स ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो कोर्स करने के बाद आप जो जूनियर लेवल पे आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक दोस्त कह रहे हैं कि हेयर ड्रेसिंग में फ्रीलांसिंग कैसे हो सकती है। अच्छा, हेयर ड्रेसिंग में ना फ्रीलांसिंग सबसे पहले शुरू हुई है, बहुत पहले से लोग कर रहे हैं। जो हॉलीवुड में जितने हेयर ड्रेसर्स हैं सारे फ्रीलांसर होते हैं। आपकी जो इंडियन इंडस्ट्री है, जो ये क्या इसको बोलते हैं, जो भी कुछ भी वुड नाम है इसका, तो यहाँ पे भी जो हेयर ड्रेसर होते हैं सारे फ्रीलांसर होते हैं। तो इसके भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, अभी मुझे उनका नाम नहीं पता है कि कौन से वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये हेयर ड्रेसर हायर करते हैं, लेकिन इनके भी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। वो आपको ना, यहाँ जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, एक एक ड्रामे के लिए आपको 4-5 हेयर ड्रेसर चाहिए होता है आमतौर पर ना। वो एक एक फ़ीमेल का एक्सपर्ट चाहिए होता है, एक मेल का एक्सपर्ट चाहिए होता है, ठीक है, और फिर एक चाहिए होता है ऐसी थोड़ा छोटू वाला, जो जो क्योंकि जाहिर है ड्रामे में एक मेन रोल थोड़ी होता है सिर्फ, और भी तो इतने सारे रोल्स होते हैं। अब कोई बंदा आया, उसका रोल ये है कि चाय लाके रखनी है, अब उसके बाल यहाँ से यूँ लटक रहे हैं, ठीक है ना, तो वो फटाफट बोलते हैं जाओ भाई वहाँ कोने में छोटू बैठा हुआ है, उससे ज़रा इसको ये जो लटक रही है ना तुम्हारी लट कटवा गया हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह वाले बंदे भी चाहिए होते हैं। तो वेब डेवलपमेंट जो है वो आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है फ्रीलांसिंग बिजनेस में, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत सारी मुख्तलिफ फील्ड है जिसमें फ्रीलांसिंग की जा सकती है। तो ये तो आपने सर्च कर लिया, नंबर एक। नंबर दो स्टेप आपको क्या करना है कि आपको ना उसको अच्छी तरह से सीखना है। आम तौर पे हमारे पास ना लोग बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने ऊपर ना पैसे खर्च नहीं करते हैं। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है, तो यार आप ना अपने ऊपर थोड़े पैसे खर्च करना सीखें। जैसे
आप अगर कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो आप किसी कॉम्पिटेंट बंदे से कर लें जाके, ठीक है, फीस दे लें थोड़ी सी, या आप जो इतने सारे यूडेमी वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे जाएं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्स है वो आप ख़रीद लें उसको आप, या कोई बेस्ट बुक है जो जो आपको ये सिखा सकती है। बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने की होती है? 20-30 डॉलर से ज़्यादा की बुक नहीं होती है आमतौर पर, वो आप ख़रीद लेना यार। यूनिवर्सिटी में भी तो आखिर 4-4 लाख रुपए फीस है भरते हो ना, तो यार थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च कर लो इस मामले में भी, ठीक है? तो अपने ऊपर खर्च करना सीखें। अच्छा, तो जैसे इन्होंने कहा कि यार खाने पर बहुत खर्च करते हैं बिल्कुल सही कहा यार इन्होंने। अभी आप जाके बैठेंगे ना किसी बंस रोड पे कहीं, या कि कोई ढाबे पे भी बैठेंगे ना आप 4 लोग, तो 2,000 का बिल बन जाता है, ठीक है? अगर कोई ढंग की जगह पे कहीं निहारी व्यारी पे बैठे हैं, अभी निहारी तो वैसे ही बड़ी महंगी हो गई है, वो 1200-1200 की कर दी है निहारी अभी इन्होंने तो वो आप जब निहारी खाने भी बैठेंगे ना कहीं, तो आपके 3500-3000 का बिल आराम से बन जाता है। तो यार वो एक वक्त की निहारी हटा के ना कोई बुक ख़रीद लें आप, कोई कोर्स ख़रीद लें। अभी ज़्यादातर विजुअल, आई एम ए विजुअल लर्नर, राइट? मैं बुक्स नहीं पढ़ सकता, ठीक है? नहीं, एक दोस्त कह रहे हैं 27,000 फीस है। 27,000 तो फीस है, लेकिन वो तो एक सेमेस्टर की होगी ना। अब मुझे नहीं पता अभी क्या सिस्टम चल रहा है, 3 महीने के, वो कुछ लोग 3 महीने की फ़ीस लेते हैं, 4 महीने की लेते हैं, कुछ लोग 6 महीने का सेमेस्टर होता है, तो वो आप ज़रा लगाएं ना 8 सेमेस्टर में कितने बनते हैं। तो जब इतनी फीस जब वहाँ भर रहे हो, तो थोड़ी सी अपने शॉर्ट कोर्सेज वाली जो या सॉफ्ट स्किल है उसको भी थोड़ा सा देख लूँ। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं ये कह रहा था कि मैं विजुअल लर्नर हूँ। मैंने जिस दौर में आँख खोला है, मैं बुक नहीं पढ़ सकता बैठ के यार। मैं अगर बुक पढ़ने बैठूँ ना मुझे नींद आ जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियोस से सीखता हूँ। अच्छा, फ्री कोर्सेज भी बहुत सारे यूट्यूब वगैरह पे इधर उधर पढ़े हुए हैं, और पेड कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि जब आप कोई नई चीज़ पहली दफ़ा सीख रहे हैं तो आप उसको फ्री वाले रिसोर्सेज से नहीं सीखें, ठीक है? ये बावजूद इसके कि ये मैं खुद फ्री सेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि कभी भी कोई चीज़ अगर आप पहली दफ़ा सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट कोई भी बंदा पहली दफ़ा सीख रहा है अगर, तो प्लीज़ फ्री वाली रिसोर्सेज से नहीं सीखें। बेवकूफ़ी की बात है बिल्कुल। क्यों? वो इस वजह से है, देखो मैंने अभी वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स स्टार्ट किया है वो फ्री नहीं है, वो पैसे वाला है भाई। अच्छा, अगर मैं वो फ्री में पढ़ाना शुरू कर दूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या तो मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है ना, मेरी कोई या तो घर में नहीं सुनता, तो मैंने कोर्स शुरू कर लिया कि चलो यार यहाँ किसी को अपनी सुना लेता हूँ मैं, ठीक है? यही मतलब है ना यार, फ्री में क्यों पढ़ाएगा वरना कोई, मतलब पागल है कोई? किसी का टाइम तो सबका ही कीमती होता है। तो या तो फिर यूट्यूब वगैरह पे आमतौर पे ना फ्री कोर्सेज बहुत सारे पढ़े हुए होते हैं, तो या तो वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। ज़ाहिर है शुरू में वो प्राइवेट रखते हैं, जैसे अभी मैंने जो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किए हैं, अभी आज से 6 महीने बाद, साल बाद, वो तो वीडियोस मैंने पब्लिक कर देनी है ना यार, ताकि चलो कुछ तो सीख जाए कोई उसमें से। तो या तो वो कोर्स आउट ऑफ डेट हो चुका है, या तो उस कोर्स को कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है जब भी वो फ्री में यूट्यूब पे उसने डाला हुआ है, ठीक है? तो हमेशा आप कोशिश करें कि पहली दफ़ा अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप पेड रिसोर्सेज से सीखें, ठीक है? पैसे पे करें आप उसके लिए, और जब आप पैसे दे के सीखते हैं तो आपको भी एहसास होता है कि यार मैंने पैसे दिए हैं इसमें, थोड़ी मेहनत कर लूँ मैं भी, ठीक है? फ्री वाले में थोड़े दिन में आप 2-4 वीडियोस देखते हैं, आप कहते हैं चलो यार ठीक है अभी तो थक गया हूँ मैं, अभी वो ड्रामा देखते हैं, ड्रामा आजकल लड़के भी ड्रामा देखने लग गए हैं पता नहीं। तो अच्छा, अब हमारे पास मेरे ख्याल है आखिरी के 10 मिनट हैं। तो एक्वायर नॉलेज, सबसे पहले आपने क्या करनी है, एक्वायर करनी है नॉलेज। अच्छा, और कॉम्पिटेंट होना है आपने, आपकी कॉम्पिटेंसी इतनी होनी चाहिए कि जब आप गोरे के साथ काम करें ना, तो वो आपको ये नहीं बोल सके कि यार ये तो पता नहीं कोई प्राइमरी स्कूल का लड़का है, ये वाला सीन नहीं होना चाहिए आपका। आपके पास प्रॉपर एक तो नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा पोर्टफोलियो होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल, ओके सर, दैट्स इनक्रेडिबल, बहुत लाइट हैंडेड भी हमने बात कर ली।
अब हम थोड़ा सा एजेंडा की तरफ आते हैं, तो कैन यू प्लीज टेल अस कि कौन कौन से बड़े फ्रीलांस प्लेटफॉर्म मौजूद हैं इस वक्त हमारे पास? अच्छा जी, फ्रीलांस के प्लेटफॉर्म मेरा ख्याल है ये हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं वैसे बता देता हूँ, हमारे पास एक अपवर्क है जो सबसे ज़्यादा फेमस है इस वक्त, दूसरा फाइवर है। आमतौर पर जब लोग शुरू में काम स्टार्ट करते हैं तो फाइवर पे करना ज़्यादा सही रहता है, अपवर्क थोड़ा सा क्योंकि प्रो लेवल का प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर काफ़ी सीरियस किस्म के लोग आते हैं, तो आप वहाँ पर समटाइम लोगों को थोड़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं शुरू करने में, तो शुरू लोग आमतौर पर फाइवर से करते हैं। अच्छा, अब ये दो पॉइंट हैं आज जो मैंने, आप जो है जैसे Sysborg आपकी कंपनी है, तो इसके पीछे जो है मोटिवेशन क्या थी टू स्टार्ट अप Sysborg एंड ऑल, यू नो? अच्छा, मोटिवेशन तो खैर इसके पीछे कुछ भी नहीं थी। असल में पाकिस्तान में ये होता है कि जब आपको टैक्स फाइल करना होता है ना, तो आपने किसी ना किसी नाम से कंपनी रजिस्टर करनी होती है, उसके बगैर आप टैक्स फाइल नहीं कर सकते, और जब तक आप फाइलर नहीं होते तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं मिलता आपको। मिसाल के तौर पे आप बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते, या आपकी कोई बड़ी रकम आ जाती है तो फिर उसमें बैंक वाले आपसे ना बिला वजह के सवालात करते हैं, यार ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, या फिर आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अगर फाइलर नहीं है ना तो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें। तो जब मैं फाइल करने के लिए गया, उसने कहा नाम क्या रखें, नाम बताओ, तो मैंने कहा नाम तो मैंने सोचा ही नहीं है अभी, तो मैंने लगा चलो यार मुझे थोड़ा टाइम दो नाम सोचने के लिए, तो फिर मैंने दो तीन दिन लगा के ना ये नाम सोचा कि यार Sysborg होना चाहिए। जो इस आपने अगर वो मूवी देखी हो स्टार ट्रैक 1980s की है, उसमें वो बॉर्ग एक कंप्यूटर होता है, वो ईवल दिखाते हैं उसके अंदर, तो वैसे उसको तो वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो बहुत ताकतवर किस्म का होता है और वो कब्ज़ा किया हुआ होता है उसने पूरे प्लैनेट पर, वो जिस प्लेनेट पर जाता है उसको तबाह कर देता है, तो वो बहुत बड़ा सा एक कंप्यूटर होता है। तो ये बॉर्ग वो वाला बॉर्ग है, गूगल की भी एक प्रोडक्ट है, उन्होंने Cyborg उसका नाम रखा है, CI और बॉर्ग, तो वो गूगल की एक प्रोडक्ट है, Kubernetes से रिलेटेड है। तो ये Sysborg है कि ये सिस्टम्स का एक ऐसा बॉर्ग है जो इनोवेटिवल है ये। अच्छा, दो ऐसा पॉइंट है और जो मैं जैसे सोच रहा था कि आज कंप्लीट कर लें, नो योर कस्टमर और नो योर सेल्फ। जी, आप सवाल जरा पहले पूछ लें। जी नहीं, मैं पूछनी चाह रही थी कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं और नॉन टेक्निकल फील्ड से भी ताल्लुक रखते हैं, तो यूजली जो ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ये फ्रीलांसिंग, ये तो होगी टेक्निकल साइड पे। अब जो नॉन टेक्निकल साइड पे डेटा एंट्री, कंटेंट राइटिंग, इसकी कितनी बड़ी मार्केट है और इसका कितना बड़ा स्कोप है, ये भी थोड़ा सा आप हमें बता दीजिएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा, लेकिन एक चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा, ये नॉन टेक्निकल नहीं है। जो कंटेंट राइटिंग और या जो कोई भी ऐसी चीज़ है जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, दीज आर नॉट नॉन टेक्निकल थिंग्स, इसकी अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि अगर ये कॉन्टेंट राइटिंग आसान काम होता तो इसके कोई पैसे क्यों देता, खुद कर लेता। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग या इस तरह की कोई भी दूसरी चीज़ है जो जिसको आमतौर पर लोग नॉन टेक्निकल कहते हैं, आपने गलत नहीं कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, आमतौर पर लोग इसको कहते हैं नॉन टेक्निकल काम है ये, लेकिन सही मानों में ये नॉन टेक्निकल नहीं है, बहुत टेक्निकल काम है ये। या लोगो बनाना, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अगर है या लोगो बना रहा है वो, तो वो नॉन टेक्निकल नहीं, हाँ नॉन सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है वो, नॉन प्रोग्रामिंग है वो, नॉन टेक्निकल लेकिन नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फ्रीलांसिंग हो सकती है। कंटेंट राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड थिंग, क्योंकि कोई वेबसाइट हो या कोई ब्रोशर हो या कोई मोबाइल ऐप हो, उसके अंदर कंटेंट तो होता ही होता है ना, कुछ लिखा हुआ होगा ना बंदे के पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि आप शैम्पू का लेबल भी उठाएंगे तो उस पर भी पीछे लिखा हुआ होता है हिदायत कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो वो सारा कंटेंट राइटर ही कर रहा होता है। तो कंटेंट राइटिंग के अलावा जो फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी में भी बहुत आजकल वो कर रहे हैं, फिर वो वीडियोग्राफी में बड़ा फ्रीलांस में काम है, जो आमतौर पे बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनके जो जैसे इस सेशन के भी शुरू में आपने वो एनिमेशंस ही चलाई थी, उस तरह की एनिमेशंस वगैरह लोग बहुत बनवाते हैं कि वीडियो के शुरू में और आखिर में, जिसको ना वो स्टार्टिंग और एंडिंग कहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने बस ये एक्सप्लोर करना है कि कौन सा ऐसा काम है जो मुश्किल है, जो इन डिमांड है, या कौन सा ऐसा काम है जो इतना ज़्यादा लोग करवाना चाह रहे हैं जितने बंदे ही नहीं है उसके अंदर, तो वो काम आपने सीखना है। अच्छा जी, आपका कोई और सवाल है मानू? अच्छा, मेरा ख्याल है उनका इंटरनेट स्टक हो गया।
अच्छा, तो मेरे लास्ट के दो पॉइंट रह गए हैं आज की जो रन डाउन था उसमें। नो योर कस्टमर, सबसे पहली बात तो ये है। देखें, अभी वो चीज़ें हम कवर नहीं कर रहे कि जाके हमें कैसे प्रोफाइल कैसे बनानी है, बिल्ड कैसे करना है, पोर्टफोलियो कैसे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल भी एक इवेंट है इसी लाइव सेशन का, सेकंड पार्ट जो है वो कल है रात को 8 बजे। नो योर कस्टमर, जो कि शुरू में मैंने प्रॉमिस किया था कि हम कुछ ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिससे आप फ्रीलांस बिजनेस को कामयाब बना सकते हैं, तो वो हम पूरी आज डिस्कस करते रहें। तो ये उसी के दो आखिरी पॉइंट्स हैं। नो योर कस्टमर, आप जितना अपने कस्टमर को जानेंगे ना उतना आप कामयाब रहेंगे। अच्छा, ये मैं सिर्फ फ्रीलांस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, अगर आपने कोई बिरयानी की दुकान भी खोली है ना तो आपको अपने कस्टमर का पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो मसाला तेज़ पसंद करता है या हल्का पसंद करता है, या आप जो कस्टमर है वो बोटी किस किस्म की उसको चाहिए होती है, ठीक है। तो या आपने अगर पान की दुकान खोली है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एरिए के लोग किस किस्म का पान खाना पसंद करते हैं। वैसे तो वो बंदा खुद ही आपको बता देता है कि यार हमें ऐसा पान बना के दो, हमें वो 402 पता नहीं क्या मसाले होते हैं उसके, वो डाल के दो। जी भाई, कल भी मंजन होगा यही वाला। अच्छा, तो फ्रीलांस बिजनेस में भी या कोई भी किस्म का बिजनेस हो उसमें आपको अपने क्लाइंट का जानना ज़रूरी होता है कि आपका क्लाइंट आखिर है कौन। मिसाल के तौर पे आप जब जाते हैं किसी किसी क्लाइंट का आपको मैसेज आया, अब वो क्लाइंट आयरलैंड से है आपके, ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आयरलैंड में इस वक्त टाइम क्या हो रहा है। अगर मैं आपको अपना फ़ोन में दिखा सकूं तो आप ये देखें, मैं अपने फ़ोन में ना ये मैंने घड़ी लगाई हुई है 4, ये देख रहे हैं आप, अलग अलग जगह की ना मैंने घड़ी लगाई हुई है, वाशिंगटन डीसी की, वैंकूवर की, 4 घड़ियाँ लगाई हुई हैं मैंने। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो अभी सो रहा है या जाग रहा है। अच्छा, फिर हर कंट्री के लोगों के ना सोने जागने का टाइम अलग होता है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यार इस कंट्री के लोग ना कितने बजे जागते हैं, कितने बजे सोते हैं, या कभी पूछ भी सकते हैं आप अपने क्लाइंट से ना कि भाई तू कितने बजे जाग जाता है बता दे मुझे, ठीक है, ताकि मैं उसी हिसाब से मैसेज करूँ। वर्किंग आवर्स आमतौर पर लोगों को पता होते हैं, ठीक है, आमतौर पर जब क्लाइंट्स हमसे आके पूछते हैं कि यार आप यानी मुझे वो काम दे रहा है जब करने के लिए, तो मुझसे पूछता है कि यार आपके वर्किंग आवर्स क्या हैं। अच्छा, वो इतने एथिकल होते हैं, वो उन वर्किंग आवर्स के अलावा आपको मैसेज भी नहीं करते, ठीक है, भले जितना भी इंपॉर्टेंट काम हो वर्किंग आवर्स में ही आपको मैसेज करते हैं, उसके अलावा मैसेज नहीं करते आपको। या अगर कोई मैसेज करते भी हैं तो वो नीचे लिख देते हैं कि यार आई नो इट्स लेट, आप कल आराम से जवाब देना, कोई मसला नहीं है। कोई क्या मस्त बात बताई है, ऐसी क्या बात बता दी मैंने यार। अच्छा चलो, हो सकता है कोई इंजॉय कर रहा हो मेरी बात को। वेल, अच्छा, तो नो योर कस्टमर, आपको अपने कस्टमर का पता होना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात, आप जब अपने कस्टमर से पैसे मांगते हैं ना, तो बहुत सारे बंदे ना सीधा बोल देते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान में तो 1 लाख रुपए सैलरी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, ठीक है ना, तो आप बस उतने ही लो, आप इतने क्यों मांग रहे हो। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उस कंट्री में आम तौर पे जो सैलरीज हैं वो कितने तक दे देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं अपनी स्क्रीन अगर शेयर कर सकूं, मैं आपको ज़रा एक दो चीज़ें बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि यार वाशिंगटन डीसी कॉस्ट ऑफ लिविंग वाशिंगटन डीसी, अच्छा ये निम्बो करके वेबसाइट है, नम्बियो पता नहीं जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अच्छा, ये ना कॉस्ट ऑफ लिविंग आ गई कि उस जगह के लोग ना क्या वो क्या क्या कहते हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या लिखा, वाशिंगटन डीसी इज़ 400% मोर एक्सपेंसिव देन कराची, ठीक है, ये मस्त बात बता रहा हूँ मैं बहुत। तो जिन लोगों को शौक है ना अमेरिका ज़्यादा जाने का, तो वो भी ज़रा ये देख लिया करें एक दफ़ा कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं। अच्छा,
मील इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट का मतलब है कि वो जो हमारे यहाँ बिरयानी की दुकानें खुली हुई होती हैं ना जगह जगह, ये उस तरह के रेस्टोरेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो $17 बनता है आम तौर पे ना एक वक्त के खाने का। या आप नीचे आ जाएं, दूध 1 लीटर जो है वो 96 सेंट का पड़ता है, 0.96। या वहाँ पे चावल कितने का चल रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे अंडे कितने के हैं, वहाँ पे एप्पल्स कितने के हैं। तो ये चीज़ जब आप एक दफ़ा देख लेते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि वहाँ पे हालात क्या हैं, ठीक है। वन वे टिकट, लोकल ट्रांसपोर्ट, ये लोकल ट्रांसपोर्ट मतलब जो बस में हम बैठते हैं ना हमारे यहाँ, ये उसकी बात हो रही है। तो हमारे जो अभी नई वाली बस चली ना, कार्ड वाली, उस वाले बस की बात हो रही है। तो तकरीबन $3 एक दफ़ा जब आप बस में बैठते हैं तो आपको देना पड़ता है। मंथली पास अगर आप ले लेते हैं तो आपको तकरीबन $112 का मंथली पास पड़ता है। तो $112 कितने बन गए पाकिस्तानी, देख लेते हैं ज़रा हम कितने बन गए, ठीक है। तकरीबन 20,000 बनते हैं। अगर आपको पूरे महीने का पास चाहिए तो 20,000 का पास है। हमारे यहाँ आमतौर पर 20,000 लोगों की पूरे महीने की सैलरी होती है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और हम चीज़ देख लेते हैं यही वाली। ओके, हम ख़त्म करते हैं थोड़ी देर में इसको बस। अच्छा, क्या मैं देख रहा था, मिनिमम वेज इन वॉशिंगटन डीसी। आपको पता तो होना यार, आप जिस बंदे के लिए काम कर रहे हैं तो आपसे, आप कितने पैसे उससे मांगेंगे तो वो आपको दे देगा। अच्छा, अब ये जो है ना, इनके ऑफिशियल वेबसाइट है dc.gov, राइट। हम चलते हैं इसके अंदर, इनकी जो वॉशिंगटन डीसी की ना गवर्नमेंट की वेबसाइट है ये। अच्छा, ये मिनिमम वेज है, ठीक है। मैं गलत बोल सकता हूँ, इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बोल रही है, वो तो नहीं गलत बोल सकती ना। अच्छा, $15 इनके पर आवर में ना मिनिमम वेज है, $16 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इससे पता क्या चला कि अगर वॉशिंगटन डीसी का कोई कस्टमर है आपका, आप उससे अगर $15 पर आवर के मांगते हैं, अगर आप पैसे चार्ज करते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ना आपको मना नहीं करेगा। ये समझ आई बात, कांट एक्सेस योर स्क्रीन। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई अभी तक। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए। मेरी स्क्रीन शेयर तो हो गई है, मगर वो बैक स्टेज है मेरी स्क्रीन। ज़रा मेरी स्क्रीन को बीच में लाइए बस। अरे, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो ये मैं दिखा रहा था मिनिमम वेज, मैंने ये जाके सिंपल ना गूगल पे लिखा है, मिनिमम वेज इन वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, मैंने स्पेलिंग भी कुछ आगे पीछे कर दिया, लेकिन गूगल सही लाया है। वॉशिंगटन डीसी की ये वेबसाइट है ऑफिशियल इनकी गवर्नमेंट की। यहाँ पे मैं गया तो इन्होंने बताया भाई $15 से लेकर $16 तक ना पर आवर है ऑल वर्कर रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ एम्प्लॉयर, कि चाहे वो ढाबे पे काम कर रहा हो चाहे वो कहीं भी कर रहा हो, मिनिमम इससे कम कोई दे ही नहीं सकता वहाँ, ठीक है ना। तो अगर आप पान के दुकान पे भी काम कर रहे हैं तो आपको $15 तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा मैंने जो दूसरी चीज़ खोली थी वो मैंने गूगल पे जाके लिखा था कॉस्ट ऑफ लिविंग इन वॉशिंगटन डीसी, राइट। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने जब लिखा था तो ये निम्बो करके वेबसाइट आ गई थी, और इस पर मैं गो थ्रू कर रहा था कि वहाँ पे ना क्या चीज़ कितने की, ये पूरा बता देते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे किसी को शिफ्ट होना है ना, अगर किसी कंट्री में शिफ्ट होना है, पाकिस्तान से जाना है जब, तो वो जाने से पहले ज़रा प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये देख लीजिएगा वो उस कंट्री का ना। दुनिया की तकरीबन सारी सिटीज़ यहाँ पर लिखेंगे, आप आ जाएगा। कराची ख़ुद भी इस पर मौजूद है, मैंने कराची लिख दिया तो ये कराची का आ गया, सही है। मील इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट यानी कि ढाबे वगैरह ₹300, सही है यार। आप एक बिरयानी खाएंगे एक बोतल पियेंगे तो 300 ही बनेंगे आपके, सही है। डेटा बड़ा एक्यूरेट है इसका, ठीक है। मिड रेंज, मिड रेंज का मतलब है कि मतलब रेड एप्पल वगैरह मिड रेंज है, या कोई मिर्ची 360 वगैरह पे आप बैठे हैं। तो आप दो बंदे अगर बैठेंगे और आप तीन डिशेज़ मंगवाएंगे, तीन डिशेज़ का मतलब है कि एक स्टार्टर, एक मेन कोर्स और एक डेजर्ट जो लास्ट में मीठे में कुछ मंगवाएंगे आप, तो आपका टोटल बिल बनेगा 2,000 का, ठीक है। दो बंदों का ये बात हो रही है, बिल्कुल एक्यूरेट बताया, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जाके ट्राई कर लीजिएगा, इतना ही होता है। तो ज़रा कहीं भी आपको जब शिफ्ट हो रहा हो ना पाकिस्तान से, तो हम ज़रा इसको देख लीजिएगा कि जो है ना ये क्या मार्केट क्या चल रही है वहाँ पे। अच्छा, हाइड स्क्रीन शेयर स्टॉप।
अच्छा तो ये तो एक हो गया कि नो योर कस्टमर। अच्छा नो योर कस्टमर जो है ना, 10,000 तो ऐसे ही के एफ सी में उड़ जा, 10,000 कहाँ से उड़ जाते हैं के एफ सी में, 1200 रुपये गए उनका तो मेरे ख्याल वैल्यू बकेट एक बंदे से ख़त्म नहीं होता वो। वेल हाँ, के एफ सी भी मिड रेंज में ही आ जाता है, मिड रेंज में आ जाता है। तो दो बंदे अगर बैठोगे तो एक बकेट मंगा लोगे, दो बड़ी पेप्सी मंगा लोगे, कितने का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा? तो वही 2,000 के अंदर ही निमटेगा। दो बंदे अगर बैठते हैं ना के एफ सी में तो 2,000 में निमट जाएगा वो, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा अब ये तो हो गया नो योर कस्टमर। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है इसको स्टॉप करते हैं मेरी डिस्कशन को। मेरे पास एक और रह गया है, नो योर सेल्फ। ये हम यहाँ से ना कल शुरू करेंगे, और फिर ये नो योर सेल्फ के बाद हम कैसे प्रोफाइल वगैरह बनती है, कैसे सेटअप होता है, वो सारा हम करेंगे। अच्छा अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। महानूर अगर आपने, थैंक जी यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा, इट वाज रियली एंजॉयबल और काफी इंटरेक्टिव भी था। आई कुड सी द कमेंट्स, लोग भी एंगेज हुए थे। तो वी वुड एंड दिस सेशन ऑन दिस नोट। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर वी वुड मीट यू टुमारो। जी मानूर आप एक काम कीजिएगा, ये जो अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद आप क्वेश्चंस नोट कर रही हैं इसमें से, कमेंट्स में से। कमेंट्स में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जी। अब, बट अभी क्योंकि कमेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो टाइम बिकॉज़ वी आर एक्चुअली शॉर्ट ऑन टाइम ना, असल में टाइम की कमी है। हाँ तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये एक फेवर मुझे दें कि जब वो कमेंट्स आए ना तो आप उसमें से क्वेश्चंस जो अच्छे कमेंट्स हैं ज़रा उसको नोट कर लें अगर, और मुझसे आप लास्ट में वो क्वेश्चंस ले लें तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए काफ़ी सही रहेगा ये, कि उनके क्वेश्चन जो है ना कवर हो पाएंगे। तो अभी क्या हम क्वेश्चंस ले रहे हैं लोगों के या ख़त्म कर रहे हैं? क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है किसी भी सेशन में ना कि क्वेश्चन हम ले पाएँ। I'm sorry, इंशाल्लाह फिर हम लोग कल देखेंगे बिकॉज वी आर रियली शॉर्ट ऑन टाइम राइट नाउ। तो अभी तो नहीं हो पाएंगे वो क्वेश्चन। चले जी, फिर मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह कल के सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह फिर कभी। अल्लाह हाफिज़।